वेलकम टू ट्रिपो इंडिया। फ्रेंड्स, आपके टूर में आने वाली प्रॉब्लम्स और आपके टूर को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए हम ला रहे हैं ट्रैवलर इंटरव्यू सीरीज, जिसमें हम आपके साथ टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिससे आपको अपने टूर प्लान करने में आसानी होगी। इस वीडियो में प्रीतम हमारे साथ अपने सिक्किम टूर के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू जुबैर मुझे मतलब ये मौका देने के लिए कि मैं गया था सिक्किम में, तो मतलब वहाँ पे हमारा टूर जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बता देता हूँ, मेरा नाम प्रीतम है और मैं वेस्ट बंगाल से कोलकाता से ही हूँ। तो मतलब मेरे लिए वो जर्नी थोड़ा सही था क्योंकि थोड़ा दूर नहीं पड़ा था। तो प्रीतम ये बताइए कि जो आपने सिक्किम टूर का प्लान किया था वो कब और कैसे प्लान किया, आपके दिमाग में कब आया कि हम लोगों को सिक्किम टूर पे जाना चाहिए, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने प्लान। हाँ, टूर का प्लानिंग मतलब देखा जाए तो टूर का प्लानिंग करना सबसे बड़ी मुसीबत होता है, क्योंकि देखो प्लान करने के टाइम में मतलब बहुत सारे लोग मिल जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल प्लान जब एग्जीक्यूट करना होता है तो तब आप मतलब हो सकता है कि किसी को नहीं मिलेगा आप। तो लकीली मतलब प्लान हमने किए थे, तो ये था अप्रैल 2018। तो हमने बस सडनली दोस्त लोग मिलके बैठे थे, ऐसे ही गपशप मार रहे थे, तो अचानक एक हफ्ता पहले प्लान हो गया था कि चलो यार घूम के आते, थोड़ा अप्रैल के महीना सही रहता है सिक्किम टूर के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर सिक्किम जाना है तो बेस्ट है आप मिड अप्रैल से मिड मई, मतलब ये वन मंथ, और बाकी थ्रू आउट द ईयर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिड अप्रैल और मिड मई इसलिए सही है क्योंकि सिक्किम में जो रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट है तो उस टाइम उसका क्या है कि फूल खिलता है, तो वो आपको बहुत सैनिक व्यू मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। तो मतलब देख लो आपके हिसाब से, क्योंकि सबका टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप मिड अप्रैल से मिड मई तक जाओ। प्रीतम आप ये बताइए कि सिक्किम में आप कहाँ पर रुके और कितना दिन रुके, आपका वहाँ स्टे कैसा रहा? हाँ, तो शेड्यूलिंग मतलब जो प्लानिंग जो है आपको कितना दिन कहाँ पे रुकना है या कितना दिन का आप करोगे, तो वैसे कितना दिन का टूर प्लान है वो आप पे डिपेंड करेगा, बट फिर भी आप ट्राई करना कि मिनिमम 5 days 5 nights या 1 week का हो तो वो और बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो हम लोगों का जो टूर था वो था 6 days 5 nights का। तो वो हिसाब आप कैलकुलेट कहाँ से करोगे, जैसे अगर आप कहीं से भी जा रहे हो थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी जा रहे हो तो वो काउंटिंग आपका शुरू होता है न्यू जलपाईगुड़ी से। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई रिलायबल ट्रैवल एजेंट या मतलब अगर आपको खुद को आइडिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाए या क्या करें, वो आइडिया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई रिलायबल टूरिस्ट एजेंट या कोई भी जो साइट है वहाँ से बुक कर लीजिए, पैकेज ले लीजिए वहाँ से। तो वो आपका जर्नी स्टार्ट होता है न्यू जलपाईगुड़ी से, मतलब आप चाहे ट्रेन में कोलकाता से या हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा सकते हो, फिर या फिर आप अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो बागडोगरा एयरपोर्ट में आपको उतरना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू अरेंज योर ट्रांसपोर्टेशन टू न्यू जलपाईगुड़ी। एंड मतलब न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचने के बाद वो आपका जर्नी स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको वो वहाँ का जो लोकल्स जो होते हैं मतलब वो महिंद्रा बुलेरो टाइप का, क्योंकि हिल एरिया में मैक्सिमम हमने जो देखा है वही गाड़ी चलता है, वो आपको ले जाएगा। तो फर्स्ट दिन क्या होगा, वो आपको ले जाएगा सीधा कहाँ पे, गैंगटॉक पे, क्योंकि मतलब गैंगटॉक पे जाके आपका पास बनेगा, आपका परमिट बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो वो आपका वो ड्राइवर या आपका जो ट्रैवल एजेंट है वही सब कुछ देख लेगा, आपको इसके लिए मतलब चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो फर्स्ट डे आप गैंगटॉक में रहोगे, वहाँ पे एमजी मार्ग है, वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे शॉपिंग करने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे आइटम है, मतलब विंटर क्लॉथिंग्स हो गए या सुवेनियर आइटम्स हो गए या चाइनीज डेकोरेटिव आइटम्स वाले लेगिंग्स हो गया या जो भी है, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट या जो आपको पसंद है उस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हो। तो हमने स्टे किया था कोई, देखो ये टूर क्या है कि मतलब जगह छोटा है लेकिन हिल एरिया है, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने एक एक जगह पे एक एक दिन, मतलब जैसे मान लो कि आज हमने गैंगटॉक रुके, गैंगटॉक से परमिट वगैरह ले लिए, सब कुछ हमारा हो गया, थोड़ा रेस्ट भी हो गया क्योंकि जल्दी से बंदे थोड़ा थक जाते हैं,
तो उस हिसाब से अगले दिन फिर हम निकल गए थे बादाम चैन के लिए। हमने पैकिंग वैकिंग करके सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे वापस आओगे, ऐसा नहीं है। आज आज रात आप गैंगटॉक पे रुके, फिर कल रात को आप नया जगह जो जाओगे वहाँ पे आपको रहना। आप सिक्किम में कहाँ कहाँ गए थे और वहाँ पे आपने क्या क्या एक्टिविटीज की, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। वेल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहाँ कहाँ मतलब आपको जाना है या आप कहाँ जा सकते हो। तो देखो, मैं मतलब आप लोगों को भी शायद पता होगा कि पूरा सिक्किम जो है वो टूरिस्ट रीजन के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉर्थ सिक्किम, एक है ईस्ट सिक्किम और एक है वेस्ट सिक्किम। मतलब अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको नॉर्थ सिक्किम जाना है या आपको वेस्ट सिक्किम जाना है, आपको ईस्ट सिक्किम जाना है। तो मैं बता देता हूँ, हम लोग गए थे ईस्ट सिक्किम में। तो जैसे आपको सबसे पहले गैंगटॉक में ही जाना है, बिकॉज सारे पासेस सारे परमिट वहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गैंगटॉक से, ठीक है। तो डे वन में हम लोग गैंगटॉक जाके पहुंचे, वहाँ पे रेस्ट किए, रात को रहे, लोकल मार्केट घूमे, लोकल साइट सीन्स जो है वो देखे, जो चाइनीज मॉनेस्ट्री है या कुछ कुछ हिल व्यूज है या वो सब हमने देखे हैं। ये मतलब बहुत ही माइंड रिलैक्सिंग टाइप का है, मतलब आपके जो थकान है, पूरा जो जर्नी है, कहीं से भी आप आ रहे हो तो वो आपको बहुत रिलैक्स कर देता है। तो हमने उसके नेक्स्ट दिन मतलब डे टू में हमने गए थे बादाम चैन। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एक लेक था, मतलब हिल के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा लगा था हमें। वहाँ पे उसके बगल में एक मतलब बहुत ही लॉन्ली टाइप का प्लेस था, मतलब कोई अब मतलब वहाँ पे गए थे जैसे आपको कोई ऑफ बीट टाइप का जगह चाहिए, जगह पे जाना है, ठीक है, जहाँ पे जाना था क्राउड नहीं हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। फिर हमने गए थे कहाँ, छांगू लेक। तो छांगू लेक जाते टाइम, मतलब अगले दिन का बोल रहा हूँ, छांगू लेक जाते टाइम आपको बाबा हरभजन का मंदिर पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने तो वो मिथ तो सुने ही होंगे, वो बाकी आप चेक कर लेना। तो हमने उनका टेम्पल दर्शन किए थे, फिर उसके बाद हम गए थे छांगू लेक में, जो कि मतलब हमने सुना है कि नवंबर दिसंबर के टाइम में वो लेक के ऊपर पूरा बर्फ का लेयर रहता है और वहाँ पे आप चल सकते हो, खेल सकते हो। तो हमने वहाँ पे गए थे। वहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोप वे, और वो मतलब बहुत ही हाई हाइट वाला रोप वे है। ज़्यादा नहीं खर्चा पड़ेगा आपको, 300 रुपये पर हेड पड़ेगा, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग जरूर वो राइड लें, ताकि आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा व्यू मिलेगा या बहुत याददाश्त वाला चीज़ रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे थाम्बी व्यू पॉइंट। मतलब आप देखते हो ना कि पहाड़ का वो जो रास्ता होता है, ज़िगज़ैग टाइप का जो व्यू रहता है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के, वो जरूर देख लेना, आप लोग मिस मत करना। तो हमारा लास्ट दिन कहाँ पे था, हम डेलो आ गए थे, मतलब जो कालिंगपोंग में है। तो डेलो आके हमने मतलब पैराग्लाइडिंग किए थे। अगर आपको पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कोई इंटरेस्ट है ना, तो आप जरूर कर लेना, वो मिस मत करना। तो मैं आपको बता देता हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए कितना खर्चा पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग के लिए अगर आप करोगे तो आपको पड़ेगा 2500 रुपये उधर, ये क्या इंक्लूड रहेगा, ये आपका कैमरा रिकॉर्डिंग रहेगा, मतलब वो जो गोप्रो कैमरा रहता है उसमें आपका पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड करने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो वो वाला ऑप्शन भी आप आउट कर सकते हैं। एकदम सेफ्टी हमेशा, एक टूरिस्ट के टाइम जाते हैं हम लोग कहीं पे भी कोई भी नई जगह पे, तो सेफ्टी एक इशू रहता है। तो क्या सिक्किम में जाना सोलो ट्रेवल भी अच्छा है, क्या वहाँ पे कोई कपल जाते हैं तो उन लोगों को सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, जरा आप बताइए। वेल, सेफ्टी वाला क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है जबकि आप पहली बार कोई अननोन प्लेस में जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप जा सकते हो सिक्किम में, चाहे आप ग्रुप में जा रहे हो, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या आप न्यूली मैरिड कपल हो, आप जा सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपके ग्रुप में 7 से 8 बंदा होना चाहिए, क्योंकि आप जो गाड़ी आपको मिलेगा, गाड़ी जो बुक करोगे वो 7 सीटर या 8 सीटर का होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव आपको मिल जाएगा। अगर 3-4 बंदे जा रहे हो तो आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, अब आपका को ट्रैवलर कैसा मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर 7-8 का ग्रुप बना लोगे तो वो सही रहेगा। और सोलो ट्रैवलर हो जाएगा तो तब तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और न्यूली मैरिड कपल यू आर वेलकम। देखो, मैं कहीं पे भी कोई भी जगह पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ का खाना पसंद है और वहाँ का कल्चर अच्छा पसंद आता है। तो जब आप सिक्किम गए तो वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ का खाना कैसा था? वहाँ का खाना और वहाँ का लोग, अगर आप मेरे को पूछोगे कि 1 to 10 में आप कितना देना चाहोगे, तो आई विल गिव 10 इफ आई विश आई कुड गिव मोर। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। जैसे फर्स्ट मोमोज, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी मोमोज खाए हो, बट वो रहेगा डिफरेंट, मतलब बहुत ही अच्छा।
और वहाँ का पानी आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम बट वहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, मतलब आपका जितना भी वो सिस्टम है ना वो सब कुछ ओके रहेगा, तो खाने के मामले में एकदम सही है और लोग वहाँ का इतना फ्रेंडली है कि आपको आने का मन। सिक्किम टूर में जो भी अगर हमारे जो कोई व्यूअर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या क्या सजेशन है और उसका बजट कितना होगा तो वो बताइए। हाँ, अगर सजेशन आप कुछ पूछना चाहते हो मेरी तरफ से तो मैं ज़्यादा कुछ सजेशन करना नहीं है मेरे को क्योंकि जगह बहुत ही अच्छा है, जगह सेफ है, बट वही कि फिर भी मैं बताना चाहूँगा आप अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेने का सोच रहे हो तो वो सब मत लेना क्योंकि ये हिली एरिया है तो वेदर थोड़ा सा कूल रहता है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आप एक हेवी जैकेट ले लेना और इनर में पहनने के लिए आप दो तीन कपड़ा ले लेना, मैक्सिमम दो या तीन, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि आप जा रहे हो इधर से उधर मूव करोगे तो मतलब हेवी सामान रहेगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों की, हाँ मतलब एक एक बंदे के पास एक सनग्लास होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिली एरिया में थोड़ा सा अगर मतलब तेज़ हवा चलता है तो वो थोड़ा सा ठंडा हवा जो है ना आपके आँखों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है, उससे बचने के लिए आप एक सनग्लास। हाँ, बजट के बारे में मैं बताऊंगा कि हाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा बजट वाली चीज़ है नहीं इसमें, वो भी डिपेंड करता है कि आप मतलब किस टाइप का होटल में रहना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ठीक है अगर आप एवरेज टाइप का पैकेज सब कुछ लेना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड यू 7,000 to 7,500 या 7,000 to 8,000 इट विल बी काउंटेड फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू थ्रू आउट योर होल जर्नी पैसेज अगेन बैक टू न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी से लेके आपको पूरा घुमा के न्यू जलपाईगुड़ी जब वो छोड़ेंगे मतलब यही पैकेज के अंदर, बाकी आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक पहुँचने आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका जैसा है उसमें उतना खर्चा आएगा, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ट्रिप फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।